अब नौजवान जो है ना, बहुजन समाज का नौजवान, वो गुलामी नहीं चाहेगा। अब वो लड़ेगा, अपने अधिकार लेगा, भाईचारा बनाएगा और इस सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत करेगा। और आज हम लोग हैं इको गार्डन लखनऊ में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है। नौजवान साथी बहनें 70 दिन से आंदोलन में हैं और मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि 7 दिन में इसका निवारण हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो बच्चे और बच्चियां वहां गए थे बीजेपी कार्यालय, परिणाम ये हुआ कि उनको पीटा गया। यही एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये इसी बात के मैं खिलाफ, कि जब किसी बहन पे भाई पे अत्याचार होता है और निर्दोष पे, तो वो बुरा है। तो मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा। आज हम लोग सुबह से आंदोलन में हैं और मेरे चारों तरफ जो है ना नौजवान साथी जो आंदोलन में, वो लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने खूब उत्पीड़न जो है ना सहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एक आंदोलनकारी होने के नाते, कि कोई भी व्यक्ति वो खुशी से आंदोलन नहीं करता, वो सड़क पे खुशी से नहीं आता, घूमने नहीं आता, मजबूरी में आता। जब ये ना उम्मीद हो जाता है कि कहीं से उसको न्याय नहीं मिलेगा और कहीं उसकी सुनवाई नहीं होगी, कोई उसकी बात नहीं उठाएगा, तब वो आंदोलन में आता है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ इन युवा भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने 70 दिन से इस सरकार के सामने अपने अधिकारों के लिए मोर्चा खोल रखा है। वरना लोग मंत्री और विधायक और MP बन के नहीं बोल पाते हैं। तो ये समाज के जोशीले युवा हैं जो अन्याय, अत्याचार और गुलामी से मुक्ति चाहते हैं। आंदोलन का दिन है, बहुत दिनों बाद जो है ना रात में आंदोलन। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम आंदोलन किया गया था, कौन किया था जो रात में थे हम लोग, शायद जामा मस्जिद में। हाँ, तो मेरे हिसाब से लास्ट आंदोलन जिसमें रात में हम लोग थे, इस समय लगभग 8:45 बज रहे हैं, तो वो था जामा मस्जिद पे, जो CNPR NRC के संबंध में आंदोलन हुआ था। और आज एक नया आंदोलन, ये जगह जो है ना, अब तो इको गार्डन, उससे पहले जेल थी, तो जेल जैसी फीलिंग भी यहाँ है, लेकिन क्रांतिकारियों का तो गहना होती है जेल। तो मैं तो तय करके आया था, परिवार को भी कह गया था कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, तो पता नहीं सरकार भेजेगी नहीं भेजेगी, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से जेल में ही। तो आज की रात यहीं बीतने वाली है, कल फिर से आंदोलन स्टार्ट होगा। और आंदोलन कब तक चलेगा, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, ये यहाँ की जो हमारी लीडरशिप है, जो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे मिलकर तय करेंगे। तो आज की जो हमारी नेता थी, वो थी मुक्ता कुशवाहा, हमारी बहन, जिसको आपने देखा होगा इस भर्ती में, जिनके हाथ पे चोट लगी हुई, हाथ टूटा हुआ। कल कोई और होगा, कल हम उनकी लीडरशिप में पूरा धरना करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि धरना तब ख़त्म हो जब जो घोटाला हुआ है, वो घोटाले में न्याय हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये घोटाला अब साबित हो चुका है, क्योंकि पिछले वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में उन्होंने ये स्वीकार किया है। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि भर्ती में घोटाला हुआ है, संविधान के जो अनुच्छेद 14, 15, 16 है, उनका उल्लंघन हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके द्वारा ये किया गया है, जिन अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, उन पर गंभीर कार्रवाई की जाए और वंचित जो लाभार्थी हैं, उनको जो है ना अभ्यर्थी है, उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार नहीं दे रही है। तो मैं जैसा कह रहा था कि 70 दिन से लोग आंदोलन में हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। आज भाइयों से मुलाकात हुई है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपद के लोग हैं, मोस्टली जो है ना सभी जनपद के लोग हैं। और पिछड़े वर्ग में भी, पिछड़े दलित वर्ग में भी एक अच्छा प्रयास है कि सभी जातियों के लोग। अब ये जातियाँ हमने तो बनाई नहीं, जिसने बनाई है अपने फायदे के लिए बनाई है, अगर हम बनाते तो कुछ और बनाते। तो अब हमारा प्रयास रहेगा कि आंदोलन जीते। कल हम लोग यहीं रहेंगे लखनऊ, लखनऊ के आसपास के साथी जो हैं वो कल आएंगे आंदोलन में शरीक होने के लिए। और बाकी जो भी कल की लीडर हमारी तय करेगी, या लीडर जो हमारा तय करेगा, उसके हिसाब से आंदोलन चलेगा। एक चीज़ तो सत्य है, मैं आपका आज के लाइव का मेरा उद्देश्य ये है कि आप ये देखिए कि जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, जब उसको सरकार 70 दिन के आंदोलन के बाद नहीं दे रही है, तो आप समझिए कि फ्री में बिना लड़े हमें क्या मिलेगा। जो चीज़ साबित हो चुकी है कि चोरी हुई है, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ने घोटाला किया है, हमारे अधिकार को छीना है। पहले तो इनके यहाँ भर्तियाँ होती, उनका पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक के बाद अगर दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी मेहनत करके, संघर्ष करके मौका बना लेते हैं, तो फिर ये खेल। लेकिन अब समय बदल रहा है, नौजवान इस बात को समझने लगे हैं और सरकार अब चोरी नहीं कर पाएगी।
लेकिन हमारा प्रयास तो ये रहेगा अगर हमें मौका मिलेगा भविष्य में तो इस सारी भर्तियों की जांच कराई जाएगी कि कौन कौन जो है वो एससी बीसी का सर्टिफिकेट बनवा के और वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बन गया है, अध्यापक बन गया, प्रोफेसर बन गया है। वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश की मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ दलितों को 22.5%, दलितों को और आदिवासियों को और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन होने के बावजूद उनकी भागीदारी ये है, उनका रिप्रेजेंटेशन ये है, उनकी हिस्सेदारी ये है कि शायद एक या दो एसएसपी जो हैं, जबकि उनकी संख्या होनी चाहिए आरक्षण के अनुरूप 15 या 16, दो एसएसपी इन्होंने हमारे लगाए हैं चार्ज पे, और वो भी अगर इनके हिसाब से काम नहीं करें, अपने लोगों के लिए ज़रा सा सोच लेंगे, उनको न्याय दे देंगे, इनके नेताओं के सामने चलेंगे तो वो कभी भी हट सकते हैं, और ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों का हाल है। लेकिन मैं आज अपने भाइयों को बता रहा था कि लड़ाई जो है ना वो धर्म की नहीं है, लड़ाई है अधिकारों की, और वही समाज तरक्की करेगा जिसके पास कानून बनाने की शक्ति होगी, जिसके पास जो है ना संवैधानिक अधिकार जो मिले हुए वो होंगे। तो आज का आंदोलन अच्छा रहा, खूब जो है जोशीले भाषण सुने, यहाँ से तो वक्ता भी तैयार हो गए। काशीराम साहब कहते थे ना कि आंदोलन से लाल पैदा होते हैं, समझौते से लाल पैदा होते हैं, तो संघर्ष से नेता तैयार होता। आज मैंने कई नौजवान साथियों को सुना और मुझे लगा उनमें कल के भविष्य के नेता की झलक है, वो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनाते हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये तो सच है कि जब आप घर से बाहर निकल के वास्तविक स्थिति को देखेंगे परखेंगे तब आपको पता लगेगा कि देश में क्या चल रहा है। निजीकरण होने वाला है, जितने निजीकरण पे भी आप लोग सब जुड़े हुए हैं तो निजीकरण पे भी सुन लीजिए, निजीकरण आप वो जो कह रहे हैं ना NMP जो नया वो लाए पाइपलाइन कह रहे हैं बेच नहीं रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लीज पे देने के बाद वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, उस प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज हम यहाँ 18,000 भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं, कल हम लाखों भर्तियाँ जो हमारी होने वाली हैं, जिसके लिए हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के अपना पेट काट के मजदूरी करके मेहनत करके अपनी जमा पूंजी दे के अपना घर में से सामान बेच के हमें तैयार किया, वो सब जीरो हो जाएगा। जब सिस्टम पे इनका कब्जा हो जाएगा तो फिर हमारे लोगों को न्याय क्या कौन देगा, आज भी नहीं मिलता है। तो इसलिए वो निजीकरण सिर्फ और सिर्फ भविष्य में सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएं और जो लोग दलित पिछड़े वर्ग के लोग वहाँ हैं उनको किस तरह से आरोपित करके दबाव बना के डरा के निकाला जाए, ये उसकी तैयारी है। लगभग समझिए कि BJP और RS का जो एजेंडा था कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग यहाँ उसी गुलामी में चले जाएँ, इसमें 1950 से पहले थे कि उनके वो हमारे खेत में हल जोतें, हमारे पशु चराएं, हमारा दूध निकालें, हमारे जो हैं और जो काम हैं घड़ा बनाने के, ये करने के, वो करने के, वो करें, और जो संविधान में हमें अधिकार मिला था बराबरी ख़त्म हो जाए, तो उसका पूरा खाका तैयार हो गया। अगर आज भी आप लोग नहीं जागते हैं तो आप पहली ऐसे शख्सियत होंगी, पहले ऐसे समाज होगा जो अपने आंखों के आगे अपने अधिकारों को ख़त्म होते देख रहा हो। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को, ये लखनऊ है, मैंने बाबा साहब का एक भाषण सुना था यहाँ, ये 1948 की बात है, बाबा साहब यहाँ आए थे और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब राजनीति पे आपके क्या विचार हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में स्पेशली ये भावना बनी हुई है कि अगर हम दलित समाज के लोगों के साथ राजनीति जाके करेंगे तो हमारी सामाजिक हैसियत जो है वो गिर जाएगी, इसलिए दलित वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक संबंध नहीं बनाते, और इसी कारण से ये जब एकता नहीं बन रही है तो दूसरे लोग हम पर राज कर रहे हैं। अब आप सोचिए अगर इस देश का 52% जो मतलब एक रिपोर्ट है 52% पिछड़े वर्ग के लोग और 22-23% दलित और आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हो जाएं तो इनकी आबादी कितनी बैठती है, क्या मुझे कोई बताया कितनी बैठती है? लगभग 75% के करीब। जब इस देश का 75% व्यक्ति एकजुट हो जाएगा तो सत्ता में किसका राज होगा, नीति बनाने की कानून बनाने की ताकत किसके पास आएगी? लेकिन मोहरों की वजह से, जिनको चमचे काशीराम साहब कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये वो क्लास तैयार हो जाएगी जिनको लोडर कहा जाएगा, तो इनकी वजह से आज हमारे सारे अधिकार लगभग जो है ना छिन्ने कगार पे। आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीतते नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उस अपनी 1948 वाली सभा में कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की समस्या एक जैसी है, और अगर ये अपने अधिकारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति सचेत हो जाएं और एकजुट हो जाएं तो इसका फ़ायदा इनकी आने वाली पीढ़ियों को बनेगा, मिलेगा, और ये गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आंदोलन के जरिए, मुद्दों के जरिए,
दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक एकता बने और उस एकता से भारत में वास्तविक लोकतंत्र जो है वो लागू, जिसमें गरीब गरीब जो है वो भी अपने आप को खोज सके, वन वोट वैन वल्यू, एक गरीब का बेटा भी विधायक एमपी बनने का प्रयास करे अपनी मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे, और वो परिवर्तन करे, वो परिवर्तन जिससे उसका समाज आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। और ये वही भाजपा की सरकार है जो नारे देती थी कि 56 इंच के सीने वालों के हाथ में देश है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, इलाज नहीं मिल रहे, तमाम तरह की चीज़ें जो है, एजुकेशन से संबंधित जो है बजट वो जीरो हो चुके हैं, सरकारी उपक्रम बेच बेच के जो 70 साल में तैयार हुए थे ये देश चला रहे हैं, और वो जो पैसा हमारी मेहनत का टैक्स का जो हम ये हर एक सामान में देते हैं उसको ये अपने चुनाव में खर्च कर रहे हैं, ये इनके बाप का पैसा नहीं, ये हमारा पैसा है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है ना वो विदाई होगी, और इसका लिए मैं अगले 6 महीने गांव-गांव जाके संघर्ष करूंगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मामला 69,000 शिक्षक भर्ती और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना होनी तो सबकी चाहिए, मैं तो सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग इसलिए होने चाहिए, उनको अपनी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा लगना चाहिए कि वो वास्तविकता में देश में कहाँ है, इतनी बड़ी आबादी और मोहताज बनी हुई है, तो गुलाम को गुलामी का एहसास अगर आप करा देते हैं तो वो अपनी बेड़िया स्वयं काट देता है, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। फिर आपसे मुलाकात होगी आज की रात यहीं खुले आसमान में इको गार्डन लखनऊ, और आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। मैं कुछ साथियों को भी जो है ना एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरे चारों तरफ लोग हैं, तो ये आज हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे जो हैं नौजवान साथी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई के योद्धा हैं, जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की है, वो सब लोग हमारे बीच में हैं, और मुझे विश्वास है कि उनकी ये लड़ाई जो है ना आगे बढ़ेगी, हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और आप देखिए उधर भी जो है ना कुछ नौजवान साथी लेटे हुए हैं, तो ये धरती है, ये हमारी माँ, तो वो इस धरती से जुड़ के जो है अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं है, मन में एक ही संकल्प है कि ये आंदोलन जीत के जाना है, बहुत हुई गुलामी, अब नौजवान जो है ना बहुजन समाज का नौजवान वो गुलामी नहीं चाहेगा, अब वो लड़ेगा, अपने अधिकार लेगा, भाईचारा बनाएगा और इस सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत करेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और कल